बजट 2024 को पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मध्यम वर्गीय परिवार को वो सौगात दे दी गई जिसकी उसे उम्मीद थी। सरकार ने नए टैक्स व्यवस्था में जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदला है, वहीं इसके टैक्स स्लैब्स को भी पहले से आसान बनाया है। हालांकि सरकार से ओल्ड टैक्स रेजीम से भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसको बदलने में सरकार ने दूरी बनाए रखी है। नए टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इससे अब आम आदमी को इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। सरकार ने नए टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 0% की दर लगेगी, ये पहले की तरह है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। पहले यह टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपये का था। इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपये की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपये कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10% होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 0 से 3 लाख की आमदनी पर 0 रुपये टैक्स, 3 से 7 लाख रुपये की आमदनी पर 5% का टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर 20% का टैक्स और 15 लाख रुपये से अधिक आमदनी पर 30% का टैक्स लगाया गया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशन धारकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया है। अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपये तक का छूट मिलेगी। पहले ये लिमिट 15,000 रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भले पुराने टैक्स की व्यवस्था में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया है, लेकिन सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया है, जिसका फायदा ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर्स को भी मिलेगा। अब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ फाइनेंशियल एस्टेट पर 20% टैक्स लगेगा, जबकि अन्य सभी फाइनेंशियल एस्टेट पर नॉन फाइनेंशियल एस्टेट पर टैक्स पेयर की स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। सरकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में बड़ा बदलाव किया है। अब से सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन से होने वाली इनकम टैक्स की छूट बढ़ा दी है। पहले 1 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री होती थी, अब ये लिमिट 1.25 लाख रुपये होगी। अगर आप ऐसे किसी फाइनेंशियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं जो लिस्टेड है और 1 साल तक उसमें निवेश करके रखते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म निवेश में आएगा, जबकि अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट में 2 साल तक का निवेश ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की परिधि में आएगा। सरकार ने अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर फंड पर टैक्स स्लैब के मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स लगाने की बात कही है।